अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब बाजार। दोस्तों नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट्स डिपार्टमेंट की जॉब्स के बारे में जो कि अनाउंस हुई हैं, जिसमें आप लोग मेल्स और फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल से बताएंगे आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और इसका जो मुकम्मल प्रोसेस है वो आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, इसको स्किप नहीं करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आईडी का लिंक आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल जॉब बाजार को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जॉब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों डायरेक्टली चलते हैं वेबसाइट पे और आपको बताते हैं इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन। आपने आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है जॉब बाजार 22, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इस पहले लिंक को जहाँ पे 22 लिखा हुआ है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे जॉब्स, एडमिशन, प्राइवेट जॉब, स्कॉलरशिप और इंटरनेशनल जॉब्स के अलर्ट्स मिलते रहते हैं। तो आप इस ब्लू कलर के फॉलो बटन को प्रेस कर लें या फिर सेलेक्ट करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू अपडेट हो आपके पास उसको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब आपने आ जाना है इस तरह थोड़े से नीचे, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मिलिट्री जॉब, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पोस्ट है ये ओपन हो जाएगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये इदारा काम करता है, तो ये काफ़ी लार्ज ऐड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दो लिंक्स नज़र आ रहे हैं, ऐड को डाउनलोड करने का और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का। इसकी लास्ट डेट 2 दिसंबर है, तो हम सबसे पहले इसका ऐड रीड कर लेते हैं। आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है तो ये आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें ये डाउनलोड हो जाएगा, और इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जूम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें पोस्ट है ये आपसे शेयर कर लेते हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी की ये पोस्ट है, आपने खुद आगे इसका क्राइटेरिया रीड कर लेना है क्योंकि काफ़ी लार्ज ऐड है, तो ये हम आपको बताएं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। इसमें कैंट इंजीनियर है, स्ट्रक्चर इंजीनियर है, मेडिकल ऑफिसर है, डेंटल सर्जन है, मैनेजर आईटी है, लॉ ऑफिसर है, इसमें वाटर सप्लाई एंड वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट है, इसके अलावा असिस्टेंट रेवेन्यू है, और इसके अलावा असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, सेंट्री इंस्पेक्टर है, ऑटो कैड ऑपरेटर है, और कैंट ओवरसीयर, यूडीसी, एलडीसी की भी यहाँ पर पोस्ट हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर है, एलएचवी की है, लेडी हेल्थ विजिटर्स की इसमें पोस्टें हैं, और इसके बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसमें एक्सरे टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है, डेंटल टेक्नीशियन, फायर फाइटर, लैब असिस्टेंट, डिस्पेंसर, टीचर्स की भी इसमें जॉब्स हैं, बीएससी वालों के लिए, मास्टर वालों के लिए और एमएससी वालों के लिए इसमें पोस्टें हैं। हॉस्पिटैलिटी मैनेजर की इसमें पोस्ट है, सोशल मीडिया एडवाइज़र की भी इसमें पोस्टें हैं, एड्रेसर, नर्स, वैक्सीनेटर, और इसमें काफ़ी सारी ये पोस्टें हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और इसमें मैट्रिक पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई कैसे करना है आपने, इसमें आपको यहाँ पर लिंक नज़र आ रहा है अप्लाई सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो ये आपके मोबाइल में एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। इसका आपने कर लेना है प्रिंट, और इस एप्लीकेशन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये भी डाउनलोड हो रहा है तो अभी आपके सामने ओपन हो जाता है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने जब प्रिंट निकालना है इसका, तो इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवा के और डॉक्यूमेंट्स लगा लेने हैं। तो यहाँ से आप अभी आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये ओपन हो जाता है। तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा के, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म अभी आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपने इसको फिल करना है सही तरह से, यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लगाना है, यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पे देनी है, यहाँ तक आपने इसको सारा कैंडिडेट और सिग्नेचर डेट जो भी है यहाँ पे आपने इसको फिल करना है, और ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसको आपने नहीं फिल, इसको छोड़ देना है, इसको फॉर्म के साथ अटैच नहीं करना है, इसको आपने बिल्कुल छोड़ देना है। तो यहाँ तक आपने इसका प्रिंट निकालना है और इसको फिल करके आपने इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं वो आपने इसके साथ लगाने हैं, और आपने इसको सेंड कर देना है। जिस एंड में, बिल्कुल एंड में आपको एड्रेस नज़र आ रहा है, एक बार आपको दिखा भी देते हैं, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आपने फॉर्म फिल करके उसको 2 दिसंबर से पहले आपने यहाँ पे ये एड्रेस आपको नज़र आ रहा है, कंटोनमेंट बोर्ड, वाल्टन ऑफिस, ये सारा आपको एड्रेस नज़र आ रहा है, अहमद बख्श रोड नियर आर ए बाज़ार, वाल्टन कैंट, लाहौर, यहाँ पे आपने सेंड कर देना है। इसकी कोई फ़ीस, चालान फॉर्म कुछ भी नहीं है, आपने जस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स के अटेस्टेड कॉपीज लगानी है इसके साथ और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, और आपने 2 दिसंबर से पहले इस एड्रेस पे आपने सेंड कर देना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।